ऑल राइट तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है हमारे पास एक दो तीन एंड चार TWS ईयरबड्स। तो ये है मोजू फ्लेक्सी बर्ड्स एक्स आइन एंड सिर्फ 999 रुपीज में आप इसको परचेज कर सकते हो। परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो मोजू के हमने पहले भी दो ईयरबड्स को अनबॉक्स किया है, 800 रुपए में वो लॉन्च हुए थे एंड 800 रुपए में वो काफी तगड़े ईयरफोन्स थे। मतलब बिल्ड भी काफी अच्छी थी, साउंड भी काफी ठीक थी, काफी सारे फीचर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। तो इन ईयरबड्स में भी काफी अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं, लाइक बिल्ड भी इनकी काफी प्रीमियम लगती है। इसके अलावा गेमिंग मोड का सपोर्ट है, PNC का सपोर्ट है। अगर आप भी 1000 रुपए के अंदर एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लेने की सोच रहे हो गेमिंग नीड्स के लिए, म्यूजिक पर्पस के लिए एंड इस ईयरफोन के बारे में आप और जानना चाहते हो तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो ये ईयरफोन चार कलर ऑप्शन में अवेलेबल है एंड चारों कलर हमारे पास हैं, रोज गोल्ड, स्टील ब्लैक, रॉयल ब्लू, शाइनी व्हाइट। बॉक्स पैकेजिंग काफी अच्छी क्वालिटी की दी गई है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई काफी अच्छा काम मोजू कर रही है। टॉप पार्ट है मोजू फ्लेक्सी बर्ड्स एक्स आइन की ब्रांडिंग है। यहाँ पे कुछ फीचर्स वगैरह मेंशन किए गए हैं जिसके ऊपर आगे हम बात करेंगे, आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हो। एंड ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया में इसकी असेंबलिंग की गई है। बाकी MRP पे मेंशन है 3499 रुपए। तो अब कर लेते हैं सभी की अनबॉक्सिंग। इसके अंदर है इसका डॉक्यूमेंटेशन, यह है एक्सेसरीज बॉक्स। इसके अंदर है टाइप ए टू टाइप सी केबल इसको चार्ज करने के लिए। मोजू की इसमें ब्रांडिंग है तो कंपनी ने यहाँ पे छोटे छोटे डिटेलिंग में काफी ध्यान दिया है। काफी पॉपुलर ब्रांड भी आपने देखे होंगे, उनकी चार्जिंग केबल पर उनकी ब्रांडिंग नहीं रहती है। तो ये रहे चारों कलर हमारे पास में, रोज गोल्ड, स्टील ब्लैक, रॉयल ब्लू, शाइनी व्हाइट। तो ग्लॉसी काइंड ऑफ फिनिश इसमें दी गई है, आप देख सकते हो दिखने में काफी प्रीमियम में लग रहे हैं, बट इनका एक नुकसान भी होता है, फिंगरप्रिंट काफी आराम से इसमें लग जाते हैं। तो चार्जिंग केस टोटली आता है प्लास्टिक बिल्ड में, ग्लॉसी फिनिश इसके ऊपर दी गई है। फ्रंट पे मोजू की ब्रांडिंग है, बॉटम पार्ट में टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए, नोटिफिकेशन LED है यहाँ पे, मैग्नेटिक LED इसमें दी गई है तो काफी आराम से क्लोज भी हो जाती है। दोनों ईयरफोन्स को हम निकाल लेते हैं। तो ईयरफोन्स टोटली ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, प्योर टोन कलर इसमें दिया गया है। पीछे के पार्ट में इसका टच सेंसिटिव एरिया है, इसकी स्पीकर ग्रिल दी गई है मेटल की, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। नीचे के पार्ट में है चार्जिंग कनेक्टर। वेट हम चेकआउट कर लेते हैं, सिंगल ईयरफोन का वेट है तकरीबन 3 ग्राम, विद चार्जिंग केस वेट है 30 ग्राम। तो अब ईयरफोन को अपने फोन से हम पेयर कर लेते हैं एंड चेकआउट कर लेते हैं। तो पेयर करने के लिए आपको दोनों ईयरफोन्स को बाहर निकालना होगा, यहाँ पे कोई भी फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है। तो मोजू फ्लेक्सी बर्ड्स एक्स आइन यहाँ पे लिखा हुआ चुका है पेयर। तो ईयरफोन्स पेयर हो चुके हैं, साथ ही आप ईयरफोन्स का बैटरी लेवल भी अपने फोन पे चेकआउट कर सकते हो। साथ ही इनका एक प्लस पॉइंट और है, यहाँ पे AC कोडेक का सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप हाई क्वालिटी ऑडियो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप इसको कर सकते हो ऑन, बट AC कोडेक मेनली होता है आईफोन्स के लिए। तो अगर आप एंड्रॉइड में इसको यूज करते हो तो कंपैटिबिलिटी इशू आपको फेस हो सकता है। तो इसकी टच फंक्शनैलिटी को हम चेकआउट कर लेते हैं एंड टच कितना स्मूथ वर्क कर रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो सिंगल टच में आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, डबल टैप में आप कर सकते हो प्लेन पॉज। नेक्स्ट सॉन्ग के लिए आपको 2 सेकंड तक होल्ड करना है, प्रीवियस के लिए आपको लेफ्ट में 2 सेकंड तक होल्ड करना है। इसके अलावा कॉल को रिसीव एंड रिजेक्ट करने के लिए आपको दोनों ईयरबड्स में डबल टैप करना है। गेम मोड ऑन करना है तो किसी भी ईयरफोन में आपको 4 बार टैप करना है। वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करने के लिए आपको लेफ्ट या राइट बट में 3 बार टैप करना है। तो 13 mm के इसमें ड्राइवर्स का सपोर्ट है। एक सिंगल चार्ज में आप ईयरफोन्स को तकरीबन 5-6 घंटे तक यूज कर सकते हो। चार्जिंग केस है आप तकरीबन 5-6 बार इनको और चार्ज कर सकते हो। तो चार्जिंग केस को मिला के आप तकरीबन इसको 30 hours तक प्ले कर सकते हो मॉडरेट वॉल्यूम पर। एंड IPX5 की रेटिंग के साथ आते हैं तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश एंड स्वेट से इसमें कोई इशू नहीं आएगा, जिमिंग वगैरह आराम से इसमें कर सकते हो। इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पे दिया गया है ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट एंड यहाँ पे हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है, AC कोडेक का। अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की। तो ये ईयरफोन आते हैं हाफ ईयर डिजाइन में, यहाँ पे कोई भी ईयर कैप का सपोर्ट नहीं है एंड बहुत से जो यूजर्स होते हैं उनको ईयर कैप्स वाले ईयरफोन पसंद नहीं आते हैं। उनको एक ऐसे ईयरफोन चाहिए जो कानों में बिल्कुल टाइट फिट ना हो, आसपास की आवाज भी उनको हल्की फुल्की आती रहे, क्योंकि जो ईयर टिप्स वाले ईयरफोन्स होते हैं वो बिल्कुल एयर टाइट होते हैं। कंफर्ट इनका मुझे काफी ठीक लगा, कानों में काफी परफेक्टली फिट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कानों में काफी लूज है, काफी परफेक्टली कानों में फिट हो जाते हैं। तो अगर आप जिमिंग करते हो नॉर्मल तो आपके कानों से नहीं गिरेंगे, बट अगर आप रनिंग करते हो ज्यादा एंड ज्यादा झटके अगर इन ईयरफोन्स में लगेंगे तो मे बी ये कानों से गिर भी सकते हैं। बाकी कंफर्ट प्राइसिंग के हिसाब से ठीक है। तो अब आते हैं इनके साउंड पार्ट में, कैसा है साउंड में परफॉर्म करते हैं। तो जितना इसको मैंने टेस्ट किया इसकी साउंड मुझे काफी बैलेंस्ड लगी, कोई भी फ्रिक्वेंसी मुझे यहाँ पे ओवर बूस्टेड नहीं लगी जैसे मोस्ट ऑफ द ईयरफोन्स में होता है, बेस ज्यादा बूस्टेड है, किसी में ट्रेवल ज्यादा बूस्टेड रहते हैं। इसका सिस्टम मुझे थोड़ा सा बैलेंस्ड लगा, बेस भी इस पे अच्छा फील होता है बट बहुत ज्यादा इसका बेस डीप या लाउड नहीं है, मीडियम टाइप का बेस आप बोल सकते हो जो कानों में दर्द नहीं करता है। इसके अलावा वोकल्स इसके मुझे काफी ठीक लगे, क्लियर वोकल्स, क्लैरिटी में जो कोई भी प्रॉब्लम इसमें फेस नहीं हुई। बाकी ट्रैवल की अगर बात की जाए तो वो इसके ज्यादा शार्प नहीं है, मीडियम टाइप का इसके ट्रैवल परफॉर्म करते हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा बूस्टेड बेस पसंद नहीं है जो कानों में दर्द करता है, आपको बैलेंस टाइप की साउंड चाहिए तो ये ईयरफोन्स डेफिनेटली आपको पसंद आएंगे। साथ ही इसमें गेमिंग मोड का सपोर्ट भी है, 40 ms तक की लेटेंसी कंपनी इसमें बोलती है। तो इसका गेम टेस्ट आप देख लीजिए। तो
तो गेम टेस्ट आपने देखा, तो अगर आप नॉर्मल कैजुअल गेमिंग करते हो लेटेंसी आपको फील नहीं होगी, लेटेंसी इसकी काफी कम है। बट अगर आप एक प्रो लेवल की गेमिंग करते हो तो वहां पे आपको हल्की सी लेटेंसी फील होगी। वायरलेस ईयरफोन्स प्रो गेमिंग के लिए नहीं होते हैं, अगर आपको प्रो लेवल की गेमिंग करनी है तो आपको वायर्ड हेडफोन ही यूज करने होंगे। तो इसमें ENC का सपोर्ट भी है, यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। तो कॉलिंग के दौरान ये बैकग्राउंड नॉइसेस को थोड़ा कट कर देता है। तो अब इसका एक माइक टेस्ट भी हम कर लेते हैं। तो अब जो आप साउंड सुन रहे हो आप इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हो, बाय डिफॉल्ट ये राइट वाले ईयरफोन का माइक्रोफोन यूज करता है। मेरा रूम अभी मोस्टली साइलेंट ही है, सिर्फ AC मेरा चल रहा है अभी। कैसा इसका माइक परफॉर्म कर रहा है आपको पता चल चुका होगा। अब मैंने फैन को भी फुल 5 नंबर पे ऑन कर दिया है, फैन भी काफी शोर कर रहा है। विंडी सिचुएशन में कैसा इसका माइक परफॉर्म करेगा वो आपको अभी तक पता चल चुका होगा। माइक परफॉर्मेंस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो लास्ट में बात करते हैं कि आपको ईयरफोन को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो यार, प्राइसिंग देखी जाए 1000 रुपए के हिसाब से तो यहाँ पे कंपनी ने ठीक ठाक फीचर प्रोवाइड करे हैं। लाइक 30 mAh के ड्राइवर्स का यहाँ पे सपोर्ट है, बैटरी बैकअप इसका काफी ठीक है 30 hr तक का चार्जिंग केस के साथ, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट है, हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट है, ENC में गेमिंग मोड का सपोर्ट मिलता है, एंड लुक इसका काफी प्रीमियम लगता है। तो अगर 1000 rupees आपका बजट है, आपको एक प्रीमियम लुकिंग TWS ईयरफोन चाहिए, इसका बैटरी बैकअप भी ठीक हो, साउंड भी आपको काइंड ऑफ बैलेंस चाहिए, हाफ ईयर डिजाइन वाली ईयरफोन चाहिए, गेमिंग मोड का सपोर्ट चाहिए, हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट भी आपको चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस ईयरफोन को चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो इन ईयरफोन से रिगार्डिंग जो आप हमसे पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो मेरा नाम है ऋतिक एंड मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।